स्वागत है दोस्तों। तो आज हम एनालाइज़ करेंगे पूरा वीडियो, ठीक है। मतलब इस पूरे वीडियो में हम एनालाइज़ करेंगे IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन, पूरा डिटेल में हम देखेंगे। मतलब क्या मैटर है और क्या कंडीशन है वैकेंसी इंक्रीज़ होने का, ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। मतलब रीज़न क्या है वैकेंसी इंक्रीज़ होने का, तो इसमें मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊँगा कि वैकेंसी क्यों इंक्रीज़ होगी। और अक्सर इंक्रीज़ होती है, एवरी ईयर इंक्रीज़ होती है वैकेंसी। आफ्टर सेलेक्शन देर आर ऑलवेज इंक्रीज़ ऑफ 5 to 10 वैकेंसीज, ओके। 5 to 10 वैकेंसीज ऑलवेज इंक्रीज़ होती है, तो क्यों होती है मैं वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि मैं नोटिफिकेशन पे आया हूँ, आप मैं तो नॉर्थ ईस्ट का बात करता हूँ, तो नॉर्थ ईस्ट में देखता हूँ, अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, आपका NR दिया है, ठीक है। तो मतलब इधर चांस है कि वैकेंसी इंक्रीज़ होगा, NR नॉट रिपोर्टेड, रिपोर्ट नहीं हुआ है अभी, तो मतलब यहाँ पे आपका चांस है इंक्रीज़ होने का। महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इंडियन बैंक हो गया, तो पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यहाँ सब इंक्रीज़ होने का चांस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, मतलब टोटल वैकेंसी था आपका अरुणाचल में 11 है, ठीक है, 9, 10, 11। अब ये इंक्रीज़ होकर 20 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा था आपको फॉर्म फिलअप नहीं करने हैं अभी, 25 के बाद आप फॉर्म फिलअप करें, ठीक है, ताकि आपको कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले। अगर नहीं आया NRE ऐसे ही रहा तो कोई बात नहीं, आप 25 के बाद कोई भी स्टेट में फिलअप कर सकते हो, ठीक है, उसके अनुसार। तो ये अरुणाचल का हो गया आपका। तो अब देखते हैं आसाम का, देखते हैं, देखिए आसाम में भी आप देख सकते हैं बहुत सारा NR है, तो यहाँ पे भी चांस है इंक्रीज़ होने का, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था आपको कि घबराइए मत, आराम से अब फिलअप कीजिए। अभी फ़िलअप करके रख दीजिए ऐसे, मतलब रख दीजिए पूरा फिलअप करके, पेमेंट वेमेंट मत कीजिए, ऐसे फिलअप करके लास्ट मोमेंट में पेमेंट कर दीजिएगा। अगर इंक्रीज़ नहीं हुआ, इंक्रीज़ हुआ तो वो कैंसिल करके न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप फिर से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, सब जगह देखिए, दमन दीव, क्योंकि टोटल वैकेंसीज 5830 है कुछ, तो ये इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, इंक्रीज़ होने का चांस है। केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, अब मणिपुर में आ गए। मणिपुर में भी देखिए वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी है, अभी 2, 3, 4, 5, 6 वैकेंसी है, तो यहाँ भी इंक्रीज़ होने का चांस है। और इंक्रीज़ होने का चांस क्या बोलूँ मैं ये जानता हूँ, बहुत सारे जब होते हैं ना, तो मतलब फाइनल रिजल्ट के बाद 100% इंक्रीज़ ही होता है वैकेंसी, ठीक है। तो आप अपना फोकस करें प्रिपरेशन पे, इतना टेंशन ना लें वैकेंसी का। मेघालय जो कि मैं आपको बताया मोस्ट टारगेटेड स्टेट है, और यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, मेघालय में अप्लाई कर सकते हो। मिज़ोरम भी हो गया, मिज़ोरम भी कर सकते हो। नागालैंड में भी कर सकते हो। तो ये सब है, अब NR में ये NR बताने के लिए आपको ये किया हूँ, क्योंकि इसलिए आप फिलअप मत करें, क्योंकि बहुत सारे अभी बैंक ने NR नोट रिपोर्ट किया है, तो वैकेंसी इंक्रीज़ होने के चांस है। तो यू जस्ट वेट फॉर लास्ट मोमेंट, आफ्टर 25 यू ट्राई टू फिलअप द फॉर्म, ओके। आई होप यू गॉट, यू अंडरस्टूड माई दिस, वॉट एवर आई टोल्ड यू, सो जस्ट स्टे मोटिवेटेड। एंड दिस ईयर इन नॉर्थ ईस्ट वैकेंसीज आर क्वाइट गुड, ओके, क्वाइट गुड एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, ओके, क्वाइट गुड। सो जस्ट मोटिवेटेड, जस्ट वेट टिल 25, आफ्टर 25 यू कैन फिल अप द फॉर्म, ओके ओके। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।